स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन TT में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित एक खुशखबरी वाला लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते वीडियो की तरफ जानते हैं संबंधित जानकारी के विषय में। उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कुछ दिनों से चैनल पे वीडियो जो है नहीं डाली जा रही थी क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये चैनल पे वीडियो नहीं डाली जा रही थी, जिसके लिए आप सभी से माफ़ी। वीडियो रेगुलर आएगी। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी पर विभाग ने लगाई मोहर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी पर शिक्षा विभाग की स्वीकृति की मोहर लग गई है। आगे की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी से संबंधित ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उसे अनुमोदित किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही कह चुके थे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी पर 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग अपनी स्वीकृति दे देगा। प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित एवं महिला शिक्षकों के साथ ही उन शिक्षकों को भी ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलने वाली है जो सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। इसके साथ शिक्षक दंपतियों को भी राहत मिलने वाली है। शिक्षक दंपतियों की पोस्टिंग एक विद्यालय में तो नहीं होगी लेकिन एक ही स्थान पर किए जाने के आसार है। आपको याद दिला दूं कि स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई माह के पहले हफ्ते में कमेटी बनाई थी। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए। कमेटी में सदस्य के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए। कमेटी से स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति, बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग का पुनर्गठन एवं स्कूल टाइमिंग पर भी अनुशंसा देने को कहा गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।